यार ये जो मेरे बाल है ना थोड़े से बाल रह गए हैं, ये टूटते हैं बहुत ज्यादा, इनके सिलसिले में डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पहले गाइस फाइनली हमने चेकअप करवा लिया और बिलाल सबको मुंह तोड़ दिया मेरा यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं हम लोग सदर की तरफ, अपना अल्लाह करके जूलर खुला हुआ चलेंगे, मैं चलेंगे। तो गाइस ये देखिए जरा, ये दिखाया नहीं, बड़ा सा गरीब था, लूट लिया जो भी है ठीक है, मेरा खर्चा होगा इतना मेरे को पता है। ठीक है, तेरा बंदा हूँ मैं। थैंक यू अल्लाह ताला आपका सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का, उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर, और आज मैंने अपनी बारी ले ली है। ये तो चीटिंग करता है, चीटिंग। ये चीटिंग नहीं है, बिल्कुल फेयर काम किया है गाइस, हमेशा मुझे उड़ा देते हैं ऐसे ब्लॉग में से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस सीन कुछ ऐसे है, अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ये जो मेरे बाल है ना थोड़े से बाल रह गए हैं, ये टूटते हैं बहुत ज्यादा, इनके सिलसिले में डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पहले भी डॉक्टर के पास गए थे लेकिन डॉक्टर मुझे समझ नहीं आई थी, इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उम्मीद है इसकी समझ आ जाएगी, फिर हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन लोंडो और लड़कियों एक बात याद रखो, अल्लाह ने जैसे भी आपको बाल दिए ना, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करो, कोई जेल मेल नहीं लगाओ, नहीं तो यकीन करो जब टूटते हैं ना तो इधर से दिल से यकीन करो दिल से दर्द निकलता है। तो इस वजह से मशवरा दे रहा हूँ, जैसे बाल भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऑयल वगैरह करो, वॉश वगैरह करो, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट के ऊपर मत करो, यही बोलूंगा। स्ट्रेटनर ये लटर बटर क्रीम में लगा के ये वो सारा को कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अपने बाल बचा के रखने हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है, नहीं तो हमारे तरह देखो आधी उम्र में ही ठीक है, हम पूरे गंजे हो रहे हैं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, जल्दी करो अब अपॉइंटमेंट निकल जाएगी। तो चलो अभी डॉक्टर के पास गाइस चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये पुराने डॉक्टर की दवाइयां भी ले लो जाके, ये भी दिखाएंगे ठीक है उन्हें, ये हमने इस्तेमाल नहीं की ठीक है। ये कह रहा है मेरी तरफ भी अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह शर्म आ रही, शर्म आ रही, शर्मीला बच्चा है। आ जाओ चलो। An eternity later. तो गाइस आ गए हम लोग हॉस्पिटल, ये जो है ना यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, ये सामने जाना क्लिनिक है। अब जाते हैं अंदर और देखते हैं, और ये देखें इस बंदे की बाल बाइक को कैसे चमका के ले आया, तो मैं राधो की तपिश जिंदा नहीं करवा देना ठीक है। मार साले का खोपड़ी तोड़। तो चलते क्या हाल है, बड़ा टेंशन हो रही है भाई, ऊपर बाइक का कवर भी नहीं चढ़ा के लाए। सो गाइस अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कैसे। सो गाइस नंबर हम लोगों ने लगवा लिया, 13वां नंबर हम लोगों का है, और कौन सा नंबर चल रहा है, 8वां नंबर चल रहा है। और गाइस मेरे को नजर कम लगा, वैसे माफ करना होगा ना। हाँ ये ना अभी केयर करके आए, ये ना घर जाते जाते और भी हाल हो जाए। नन्हे मियाँ को सुकून से बचाया है, ये तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। ना नन्हे मियाँ को ठीक है, कहने रस्से पाए ना, रस्से पाए काम पकड़ा हुआ सही, यकीन करें आज तो इसने इतना तंग किया हुआ, कह रहा मैं भाग जाऊँ कहीं, हैं हिसाब लगाओ। लोग वगैरह है ना, हमसे पहले तक 8 बंदे जा चुके हैं ठीक है। अभी कितने नंबर रह गए हमारे, अभी ठीक है 8वां चल, 8वां 9वां 10वां 11वां 5 नंबर के बाद हमारा नंबर आएगा। चलो वेट करो, अल्लाह करते वेट करते, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट घर जाके। अगर तुमने बोला ना कि मुझे सारी बातें क्लियर करके, मुझे नहीं हुआ सेटिस्फेक्शन तो मैं तुमको बताऊंगी, सारी बातें क्लियर इधर करके जाऊंगा जी, उसका ड्रामा है। सो गाइस अभी इनको ये करवाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे भी जाएंगे। आगे किधर, आगे भी जाएंगे हम लोग, ज्यादा मैं ड्रामे ना करो। नहीं किधर, मैंने तुम्हें घर पे बोल के आई थी, तुमने सब आता क्या लेके जाओगे अंगूठी की तरह, मैंने तुम्हें मना किया था अभी कहीं नहीं जा रहे, मेरा तो माहराम नहीं करो, शीशी नहीं लड़ाई नहीं करो बस। देखो कितने ड्रामे बाज है, घर में मुझसे वादा करके आया मैं तो जाऊंगा, वादा नहीं मैंने किया, वादा किया था, वादा किया था आपने, नहीं ड्रामे ना करो, वादा ऐसे होता ठीक है, वादा ऐसे हाथ में हाथ डाल गया था, वादा ऐसे देखो ऐसे हो गया, वादा सीधे ऐसे। ये माइनॉक्सिन स्प्रे है ठीक है, हमने चेकअप करवा लिया और बिलाल सबको मुंह तोड़ दिया मेरा यहाँ पे, सॉरी यार। तो फाइनली इन्होंने चेकअप करवा लिया, सेटिस्फेक्शन हुई है मुझे, तो भाई उनकी बातों से लगा है कि सही डॉक्टर है। सही है तो बात कट के बोल रहा हूँ की माशाल्लाह सही है डॉक्टर। तो चले गाइज अभी हम लोग चलते हैं कहाँ, जहाँ मैंने कहा वहाँ घर जा रहे हैं, ड्रामे नहीं करो बिलाल मैं बता रही हूँ, ड्रामे करो गाइस, ड्रामे कर रहे हैं बंदा मेरे से, मैं इसके चक्कर में आके बाहर हो रही थी, यकीन करें उस दिन किसने मुझे बोला तो मैं पार्लर ले जाऊंगा, और इसने इतना टाइम करके जो है ना लेट करके मुझे पता नहीं कौन सी सदी में लेके गया, और अभी मेरी रिंग टूटी पड़ी है वो सही करवा के नहीं दे रहा, सही क्या मैं देखूंगी, बताए लेके जा रहे हैं, अगर रिपेयरिंग करवानी है तो मैं करवा दे दूं। अच्छा चलो तो सही ना, तुम मैंने क्या कहा, नहीं के चक्कर में मैं खाना बंद कर दूंगी तुम्हारा, कर दो बंद जाओ, चल झूठा देख लो गाइस मोए मोए करता है सारे यहां आँख में क्या पड़ गया। तो गाइस चलते हैं हम लोग सदर की तरफ, अपना अल्लाह करके जूलर खुला हुआ, चलेंगे मैं चलेंगे। An eternity later. और गाइस फाइनली हम लोगों ने खर्चा करवा दिया ब्लास साहब का, कैसा लग रहा है आपको खर्चा करवा के। तो गाइस मैं इसे कह रहा था आप मेरी जान ऐसे करो, आप रिपेयरिंग करवा लो,
सही होगा, लेकिन इन्होंने रिपेयरिंग नहीं करवाई, इन्होंने बिल्कुल ब्रांड न्यू रिंग ली है, क्या करें। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। चलो गाइस अब हम लोग अपने मोहल्ले आ गए, हम लोग आ गए तरबूज लेने। बुला साहब तुम तो भाई के फैन हो गए हो, दो तीन दफा लेके गए, अच्छा तरबूज था, जबरदस्त काला बीज, काले बीज वाला वाकई भाई। चलो गाइस ब्लास साहब की अफ्तारी हो रही है बाहर, क्योंकि उसके बाद मेरा रोजा नहीं था, आज ये जो है ना अफ्तारी कर, और हम लोग लेके जाएंगे पार्सल काम बच्चों के लिए घर, ठीक है। A few moments later. यहाँ पर ना उसको बिजनेस की ट्रिक समझाई जाए। बच्चा आया ठीक है, पिछले वगैरह बेचने के लिए ना बच्चा आया, तो मैंने बोला बेटा मार्केटिंग कर रहा हूँ बेहतर तरीके से, चलो अभी मैं आपसे खरीदूंगा, अगर आप मुझे मुस्लिम करोगे तो कैसे करोगे, जरा पाओ आए आवाज तो निकालो, पता चले ना बच्चा 300 रुपए से छोटा था। अगर बोल के ज्यादा अच्छी बातें करके करेगा तो 15,000-2,000 कमाएगा, नहीं कमाएगा पैसा होगा होगा ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है, तू मांग नहीं रहा तो एक चीज बेच गए, लेकिन बेचेगा ढूंढे बच्चा जोर तो जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बच्चे को ठीक है, बच्चा बादशाह था, बहुत अच्छा बच्चा है, ये मेहनत कर रहा है और ठीक है, ये बॉल पेन बेच के ना पैसे कमा रहा है, तो मैंने इसे थोड़ा सा टोटका दिया है ज्यादा पैसे कमाने के लिए, इनका कामयाब होगा, ये लौटने ये अभी जा रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, दे रहे हैं, रोजा खोलने के बाद इनका दिमाग ज्यादा चल पड़ेगा, धंधे के अंदर जब ठीक ये बिरयानी जाती है तो एनर्जी बाहर आती है, बिरयानी ने ठीक एनर्जी ज्यादा दी हमें, ठीक चलो सही है, ये ले एक नंबर ठीक है, ये ब्लैक है ब्लू दे, 2000 years later. तो वेलकम बैक हो गया गाइस, सीन कुछ ऐसे है अभी, माशाल्लाह आज इबादत की रात है बहुत बड़ी, जैसे कि आपको पता है, इधर चेक करें माशाल्लाह मेरी बिया फातिमा देखे माशाल्लाह से क्या पढ़ रही है, लाइला जी लाइला हा इल्लल्लाह पढ़ रही है माशाल्लाह, तो बिया फातिमा इधर तस्बीह कर रही है और इसकी माशाल्लाह से तबीयत भी बेहतर है, और ये हमारे जो नन्ना मियाँ है ना, नन्ना मियाँ एक दफा सो के उठ चुके दोबारा, तो इधर बेगम साहबा क्या कर रही है अभी देखते हैं, बेगम साहबा ये क्या हो रहा है, तो इधर गाइस चेक करो माशाल्लाह हमारा मोहम्मद मुस्तफा भी तस्बीह पढ़ रहा है, वेरी गुड हो गया, और इधर ये क्या कर रही जानो, ये पर्दे उतार रही सुबह जी, ये धोबी घाट खोल रहे हैं, तो ये भी धो दूं ना कि ईद आने वाली थोड़ा साफ सफाई हो जाए, तो गाइस इधर ईद की फुल तैयारियां चल रही है, बर्तन वाश बर्तन वाश कह रहे हो, पर्दे वाश तो कपड़े वाश तो पता नहीं क्या क्या वाश, इधर तैयारियां फुल चल रही है गाइस, तो अभी क्या आप लोग कमेंट में बताओ आप लोगों में सब बंदे कौन कौन जो है ना ईद से पहले जो है वो घर की सफाई और जो है ना सुथराई करते हैं। अच्छा जी हाँ जी, तो मर्द हजरात आपको नहीं पता कि घर की सफाई सुथराई करते हैं, घर की कमी है तुम लोगों को, हमें क्या लेना देना, हम तो मतलब हम तो घर के राजे हैं जो आते हैं काम को, राजे हैं तो रानियां भी नामी है, हां तुम लोग की रानी और भाइयां भी तुम लोग ही हो, ए चुप है, तो गाइस आपको मैंने दिखाया नहीं, तो गाइस ये देखिए जरा, ये दिखाया नहीं तो मैं दिखाती हूं, रेडी आप लोग 1 2 3 गो टन टडा, तो गाइस ये बंदी हमें लूट लाई है, नहीं मैंने लूटा माशाल्लाह करे सबसे पहले, और बताए अच्छी है या नहीं अच्छी, ठीक कमेंट्स में जरूर बताएगा, माशाल्लाह भी जरूर कीजिएगा, और मेरी जान के लिए एक रिंग क्या ऐसी 10 रिंग है भी कुछ भी नहीं, oh my God, ऐसी 10 रिंग है मैं कहीं पक्की ना हो जाऊं, मेरी जान ना पक्की नहीं, डायलॉग बोला है फिर भी डायलॉग बोला क्यों होगी, मैं कहीं पक्की ना हो जाऊं खुशी से मर ना, नहीं नहीं मरना मुरना नहीं मेरी जान, मैंने सिर्फ जस्ट डायलॉग बोला क्या, और गाइस इतना जुल्म सतम करके नहीं लाई वो मेरी रिंग जो थी ना, वो आपको पता है गोल्ड दो तो उसके अंदर थोड़े पैसे डालने पड़ते हैं, गाइस गाइस थोड़े से डले 200-300 डले भाई, इससे ज्यादा 200-300 भी नहीं ना डलते, 1000 की बात करो गाइस, मैंने 500 में ठीक है वेल्डिंग करवा के जरा टका टक करवा के दे देना, आज के जमाने में 500 की वेल्डिंग करता है 5000 कर छोटी है ना
छोटी उससे छोटी नहीं, उससे बड़ी है और उससे हैवी है ये। माशाल्लाह आपके हाथों में बहुत जच रही है, ऐसे ही लग रहा है जैसे ये बनी आपके हाथों के लिए। ओह माय गॉड, छोटी जरा मेरे को शर्म। नहीं 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 नहीं, बहुत ही नहीं ठीक है, बहुत ही तारीफ कर सकती है। तो गाइस आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है रिंग कैसी लगी है माशाल्लाह। और गाइस ये मैं बोलना फजूल खर्च हो रहा था, मैंने अपनी जाती रिंग डाल के बीच में चुने से पैसे डाल के फिर ये बनाई है। 50-60 हजार की नहीं बनाई मैंने, मैं शरीफ सा बंदा, माड़ा सा गरीब सा, लूट लिया जो भी है ठीक है, मेरा खर्चा होगा इतना मेरे को पता है ठीक है। लटेरा बंदा हूँ मैं, लटेरा बंदा हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना रिंग अच्छी है या बुरी है, माशाल्लाह आप लोगों ने जरूर करना ठीक हो गया। थैंक यू अल्लाह आपका सबसे पहले। तो गाइस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो जल्दी लाइक कर दो, इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पे जरूर क्लिक करना। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग में जरूर मुलाकात होगी, तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय।